आज की इस वीडियो में आप लोगों को ई केंद्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। पहले जितने भी पोर्टल था सभी सर्विस अलग अलग था, पैन कार्ड, रिचार्ज, तो यहाँ पर सभी सर्विस को एक ही पोर्टल में लाया जा रही है, जहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विसेज मिलेगी। सारा सर्विसेज मैं दिखा दूंगी और यहाँ पर मैं आपको साइनअप का प्रोसेस दिखाऊंगा। आईडी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट का है, आप सैम्पल आप वेबसाइट में आकर साइनअप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से भी आके आप साइनअप कर सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर साइनअप बटन है, साइनअप बटन में आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक का डिटेल, शॉप का नेम, आधार नंबर सब कुछ डाल के, स्टेट सिटी डाल के आप रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका आईडी और पासवर्ड ईमेल मैसेज पे आ जाएगा आपके एसएमएस बॉक्स पे। आप e-kendra.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट से भी यहाँ पर रजिस्टर नाउ बटन है, यहाँ पर जब भी क्लिक करेंगे वही वाला सेम एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाया, अभी मैं एक आईडी यहाँ पर लॉगिन करके आपको सारे सर्विसेज के बारे में बताऊंगा, जो जो सर्विसेज एक्टिव है और पहले जो जो सर्विस में अपडेशन हुआ है, और ये इसको मैं क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें सारे सर्विसेज आने वाले हैं, अपकमिंग सर्विस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे इंश्योरेंस का अलग से पोर्टल है लेकिन वो वाला API के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद अकाउंट ओपनिंग आ जाएगा, तो सारा सर्विसेज आने वाला है। तो यहाँ पर चूज़ अकाउंट, चूज़ यूज़र, यहाँ पर रिटेलर में आईडी आपको लॉगिन करके सर्विसेज दिखाऊंगी, और इसके बाद मैं दूसरे वीडियो बना के आप लोगों को जो है पैन रजिस्ट्रेशन, पैन एजेंट रजिस्ट्रेशन और ईकेवाईसी कैसे कंप्लीट करनी है, दो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। जब आप आईडी साइन अप करते हो तो आपका तुरंत आपका रिचार्ज सर्विसेज एक्टिव हो जाता है। जब आपका ईकेवाईसी सैम्पली मैंने यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है, और यहाँ पर मैं सैम्पली कर दूंगा साइन इन बटन पे क्लिक, इसके बाद आपको यहाँ पर OTP मांगा जाएगा। ये एकदम सेफ एंड सिक्योर पोर्टल है क्योंकि आपका जब भी आपके आईडी और पासवर्ड अगर किसी को पता भी है तो भी आपके आईडी को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड जाएगी आपका रजिस्टर मोबाइल पे। जितने बार लॉगिन होगी सब बार आपको OTP से वेरीफाई करके ही लॉगिन करनी होगी। तो यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं हम, अपने डैशबोर्ड में हैं। अगर कोई भी इशू होगा आपको तो 7585811607 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप 24x7 आपको सर्विसेज मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हो। देखिए मोबाइल रिचार्ज में आपको 3.5% से 4% तक आपको कमीशन मिलेगी, रिटेल में आपको 3.5% से ज़्यादा कमीशन मिलेगी, ठीक है। आपको रिचार्ज में हाईस्ट कमीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, DTH में भी 3.5% एवरेज आपको कमीशन मिल जाएगा DTH में भी। अब मतलब आप समझ रहे हो ना, 3.5% कमीशन, और DMT तो है ही, DMT मनी ट्रांसफर कर सकते हो। AEPS में जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन सर्विसेज देखने को मिलेगी, और पहले सिर्फ मॉर्फो था, मंत्रा था, अभी मॉर्फो का ड्राइवर भी यहाँ पर लगा दी गई है। यहाँ पर सैम्पली आधार कार्ड नंबर, बैंक सिलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर डालनी होते हैं, और अमाउंट डाल के यहाँ पर रिमार्क्स डाल के यहाँ पर डिस्कवर करके कैप्चर करके आपको सबमिट करनी होती है। अब डिस्कवर का काम ये है कि आपका डिवाइस को रीस्टार्ट करनी पड़ती है, और डिस्कवर अभी देखिए बहुत सारे पोर्टल में नहीं है, जिस पोर्टल में डिस्कवर का ऑप्शन नहीं है उसमें फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम आता है, और यहाँ पर जब भी आप डिस्कवर सक्सेसफुल हो जाएगा यानी कि आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस रेडी है तो आप उसके माध्यम से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सर्विसेज आपको ये बेस्ट सर्विसेज मिलता है। दूसरा आप जो है यहाँ से जो भी पे आउट करेंगे आपको इंस्टेंट मिलेगी, और वॉलेट में जो AEPS का बैलेंस अगर लेंगे कोई चार्जेस नहीं है। BBPS के में आपको सारे सर्विसेज देखने को मिलता है, और यहाँ पर पैन रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड में आपको PSA ID और पासवर्ड देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आप उसको फिल करेंगे तो आपके इस तरीके से आईडी पासवर्ड बनेगा जिसके माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। आईडी पासवर्ड फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट होता है, यूज़र स्टेटस देख सकते हो, पासवर्ड PSA का पासवर्ड आप रिसेंड कर सकते हो, या से कूपन परचेज कर सकते हो, मिनिमम 5 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो ये पैन कार्ड का सर्विसेज भी ऐड कर दी गई है, BBPS भी ऐड कर दी गई है, रिचार्ज भी ऐड कर दी गई है, और यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन मतलब किसी का अगर पैन कार्ड आपको वेरीफाई करनी है तो आप यहाँ से उसको भी आप पैन वेरिफिकेशन कर सकते हो। अकाउंट वेरिफिकेशन, अगर किसी का अकाउंट आपको वेरिफिकेशन करनी है, वेरीफाई करनी है, तो आप उसका भी अकाउंट यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। तो ये दो सर्विसेज न्यू ऐड किया गया है,
पहले नहीं था, अभी और भी सर्विसेज आने वाला है, जैसे IT फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न, इसके ऊपर से इंश्योरेंस, बाइक कार सभी का इंश्योरेंस। इसके बाद आपको अकाउंट ओपनिंग का सर्विसेज देखने को मिलेगी, CDM कार्ड का सर्विसेज देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, और भी सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो धीरे धीरे हम इसमें इंटीग्रेशन चल रही है, बैकएंड में इंटीग्रेशन चल रही है, और ये आ जाएगा आपका, ये सर्विसेज जब आ जाएगा तो आप लोगों को तो तुरंत बता दी जाएगी। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी के रिलेटिव और भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। उसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हम उसको भी सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर रिचार्ज, अगर आप सिर्फ APS को, अगर सिर्फ रिचार्ज का बिजनेस करेंगे ना, तो आपको 3.5 से 4% तक आपको कमीशन मिल जाएगा। हाईस्ट कमीशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है और मिल रही है। और इसी पोर्टल पे रिचार्ज भी कर सकते हो, APS, DMT, BBPS, उसी के माध्यम से आप पैन कार्ड भी कर सकते हो। यहाँ पर रिडीम का ऑप्शन है, अगर आपका APS का बैलेंस को वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं, ऊपर से आपको कमीशन मिल जाएगा। मतलब आप अगर 10,000 का टॉप अप करते हो, बैलेंस APS से विड्रॉल करते हो, 11 रुपये आपको कमीशन मिलेगी। आप APS का कमीशन भी देख लीजिए, 11 रुपया है। और उसी बैलेंस को आप मेन बैलेंस में ट्रांसफर करके उसको आपको उसमें आप कूपन कर सकते हो, रिचार्ज में भी कमीशन मिल जाएगा, कूपन पे भी कमीशन मिल जाएगा, सब में कमीशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर माई प्रोफाइल में है, यहाँ पर अपडेट पासवर्ड एंड पिन का ऑप्शन है, और यहाँ से साइन आउट का ऑप्शन है। कोई भी दिक्कत होता है तो सपोर्ट के नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका तुरंत आपका सिस्टम को देख लिया जाएगा। कुछ भी इशू होगा तो एनी डेस्क के माध्यम से सपोर्ट दी जाएगी। तो अगर अभी तक आपने ID नहीं आया है, नहीं लिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अपना ID और पासवर्ड आपको तुरंत मिल जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। तो यही था इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।